हाँ भाई, गुड मॉर्निंग डोगो। अब तो तुम पहचान भी नहीं रही मुझे। कैसे करती है? कितने बच्चे थे ये देखो, इसके फ्रेश फ्रेश क्यूट क्यूट से बच्चे, कितने प्यारे प्यारे से हैं। ओ वो देखो वाइट वाले को, ये मुझे कुछ कहेगी नहीं क्योंकि मैं इसकी मम्मी हूँ ना, इसलिए। डोगी कितने हैं? 1 2 3 4 5 7 8 लग रहे हैं मुझे तो। अब इसका थोड़ा एटीट्यूड बढ़ गया है। गुड मॉर्निंग, क्या कर रही हो? बिट्टी की मालिश कर रहे हैं। मालिश कर रही हो? चुया रो नहीं रही? रो रही थी, छुपा रही। छुपा रही? छुपा के कर ले, छुपा छुपा के कर ले। अच्छा। पानी में कर चुके हैं अब टांगे, अब हाथ रह गए, पेट पीठी। बिट्टी को उघारा करके मालिश करके इनका काम हो जाएगा। अच्छे टोपन लगाए रहो। टोप में तेल लग जाएगा? लग जाए। धोए दिए नानी उसकी। और हम यहाँ पे हम इसको हीटर चला के मालिश करते हैं। ये इसका गरम तेल रखा, ये इसका हीटर, और वो इसका एक सॉक्स पड़ा है जो कि इसके घुटनों तक आता है। आवाज आ रही है रोने की? अभी थोड़ी तेज हो जाएगी। मम्मी तुम इसे कितने दिन में नहलाती हो? 2 दिन। 2 दिन में? फिर से पानी से डर नहीं लगता? नहीं, बड़े आराम से नहा लेती है। गरम पानी शैम्पू से लगा दो, बिट्टी वही नहा लेती है। नानी ने मजबूत कर दिया भाई चिन्नू मुन्नू को। हमारी चिन्नू मुन्नू सब कुछ कर ली, नहा भी ले, मालिश भी करवा ले नानी से। कर रही हो? आज मैंने तुम्हारी अलमारी साफ करी है और काम करती रहती, थोड़ा बहुत अपने क्या कर सकती है। काम करने आई है, बिटिया की घर आई, थक गई। अलमारी खाली क्यों करी आज? बिट्टी के कपड़ों के लिए, बिट्टी का चढ़ाया आने वाला है। बिट्टी के कपड़ों के लिए अलमारी में जगह बनाई गई है, वो भी बहुत ज्यादा वाली। मेरे से सारे कपड़े बोरी भर के ऊपर फेंक दिए। नहीं, कुछ बैग में रख दिए। नहीं, मेरे तो बैगों में ऊपर लगा दिए ना, अलमारी के ऊपर बैग में। अरे उसमें भी है मेरे नहीं, कपड़े नहीं, तुम्हारे आने से पहले सारे कपड़े मेरे बोरी में भर के ऊपर फेंक दिए गए हैं। तो टिंकू ने फेंके, वो तो ये भी फेंकने वाली है। अब थोड़े टाइम बाद उनको उतारना पड़ेगा। अलमारी में जगह हो चुकी काफ़ी खासी सारी, ये देख रहे होंगे आप लोग अलमारी। इसमें मम्मी ने काफ़ी अच्छी जगह बना दी है। और ये यहाँ पे मम्मी पर्दे लगाते हुए, इधर का पर्दा कहाँ गया? मम्मी तुम्हें कौन से पर्दे अच्छे लगते हैं, ग्रीन वाले या फिर ग्रे वाले? ग्रे वाले। शाम को क्या बन रहा है खाने में? दाल। अच्छा मम्मी, यहाँ का पानी कैसा है? मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है, लेकिन पचा हुआ अच्छा है। पचा हुआ अच्छा है? पीने में मुझे कम अच्छा लगता, लेकिन पेट पेट साफ रहता है, एकदम पचता, गैस नहीं बनती है। डॉगी के बच्चों को दूसरा दिन है, 6 बच्चे हुए हैं टोटल। 6 ही हुए? हाँ, पिछली बार तो 10 थे। सही है, कम है तो फिर बच जाएंगे बेचारे। सबको घर में शिफ्ट कर दिया आज। क्या कर रही हो? सुबह से फोन ही नहीं देखा, टाइम ही नहीं मिला, कहाँ देखोगी। तुम्हें किसकी याद आ रही है? डोकर की। ये रोने लग गई। मेरी डोकर बेचारी ऐसी ठंड में चाय भी नहीं पी पा, अकेले खाना बना। ये क्या कर रही है, क्या कर रही है? चुसनी पकड़ा देते हैं, बताओ है ना। हाँ, हमसे ही बातें करती है और किसी से बातें ही नहीं करती। देखो हाँ, बातें कर रही है चिरमुनिया सी। बिट्टी दूर पर आओ, करो इससे दूर ही है, बिट्टी जल जाएगी। नहीं चलेगी, मुझे तो भूख लग रही है। क्या दूँ बताओ? कुछ भी दे दो, लेकिन दे दो, लेकिन मीठा नहीं चाहिए। मीठे का लाभ आएगा,
नमकीन ही मंगाई गई थी कल, मीठा नहीं चाहिए। सिंपल वाली, फेफड़े वाली, फेफड़े वाली नमकीन नहीं होती, उसे फाफड़ा कहते हैं। चलो सबको बोल दो बाय बाय, कल मिलेंगे। आज तो तुम थकी हुई हो बहुत ज़्यादा, अलमारी लगाने में ज़्यादा टाइम लग गया। तो कपड़े सही से लगाए हैं सारे साथ, सबके अलग अलग करके। गुड़िया, ओ मेरी गुड़िया, सबको बोलो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब कछु कर दीजिए भाई। हाँ ठीक है, बाय 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 फ्रेंड्स। और आप सबको कैसा लग रहा है डेली व्लॉगिंग जो हम थोड़ी थोड़ी दिखा पा रहे हैं कोशिश करके, जल्दी ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग भी देखने को मिलने वाले हैं। तो बाय बाय दोस्तों।